कपिल द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या कहलाती है? सांख्य दर्शन। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में है कुभा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईएएस में भी आया है, यूपीपीसी डिफरेंट पीसीएस में, सारे एग्जाम में आए हैं सारे, लेकिन ये आईएएस में भी आया है। तो नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कठोपनिषद में है। कठोपनिषद उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। उपनिषद काल में राजा अशुपति कहाँ के शासक थे? कैकेय के शासक थे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, सबसे ज्यादा वर्णन सिंधु का मिलता है। और यजुर्वेद का संबंध कर्म कांड से है, ऋग्वेद का संबंध प्रार्थनाओं से है, और अथर्वेद का संबंध तंत्र वंत्र वशीकरण से है, और मिलाने वाला है सामवेद का संबंध संगीत से है। संगीत के उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तक दर्शन पर है, पहले भी बताया आपको, इसका सही उत्तर है दर्शन पे है उपनिषद, सबसे बाद में उसका विकास हुआ है। योग दर्शन के प्रतिपादक थे, योग के प्रतिपादक थे पतंजलि, जो बहुत मशहूर है। और वो दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? लोहारगिरी, आर्यों द्वारा अपनाई गई थी लोहारगिरी। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई है? वैदिक युग में। सही आंसर है सीपीयू एसी असिस्टेंट कमांडमेंट, इन सब एग्जाम में भी पूछे गए हैं ये प्रश्न। भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा कौन है? सांख्य, जिसके प्रतिपादक हैं कपिल। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र शासन प्रणाली थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक युगीन सभा वह एक प्रकार की मंत्री परिषद थी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ चलता है, किस वेद में चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से मिलता है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। और एक मिलाने वाला है, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है, अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है, और यजुर्वेद में बलिदान विधि है, कर्मकांड से संबंधित भी है, और सामवेद में संगीत से संबंधित है। और आगे देखते हैं, वैदिक युग में यव 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 कहा जाता था, यव जौ को कहा जाता था यव। और प्रतिलोम विवाह किसे माना जाता है? तो प्रतिलोम विवाह माना जाता है जिसमें लड़की का नारी उच्च कुल की होती है, उच्च वर्ण की होती है, और पुरुष जो है निम्न वर्ण का होता है, प्रतिलोम। और अनुलोम में पुरुष उच्च वर्ण का होता है और स्त्री निम्न वर्ण की होती है। अनुलोम पुरुष उच्च और स्त्री निम्न वर्ण की होती है, और प्रतिलोम में स्त्री उच्च वर्ण की होती है और पुरुष निम्न वर्ण का होता है। ये सवाल आते हैं, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आया? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन है? शतपथ ब्राह्मण।
वेद वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? वेदत्त। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। गद और पद दोनों में। आज भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से, और आर्य शब्द इंगित करता है निर्जातीय समूह को, एथनिक ग्रुप है। ऋग वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। पता है ये प्रश्न कहाँ पूछा है? IAS में पूछा है, JPSC में पूछा है, डिफरेंट PCS में पूछा है, और आपको हल्का लग रहा होगा, क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता है, जो आ गया वो मुश्किल है, जो नहीं आया वो हल्का है। और ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता है। और नेक्स्ट है, व्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? व्रीही चावल के लिए, व्रीही चावल के अर्थ में। अथर्व का अर्थ है अथर्व, पवित्र जादू। और क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? पाणिनि। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब, वो क्या कह रहे कि कबीले में रहते थे, गांव में रहते थे, कुल के लोग ऐसे ग्रुप में रहते थे वो। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। ऋग वैदिक काल में इंद्र को और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति। किस रचना में नारी को सूरा और तांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? मैत्रेयी संहिता। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया? सभा को। अथर्ववेद में। ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई, इंद्र। एक सुमेलित करने का है, राजसूय यज्ञ उस समय होता था राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ है। मिलाने का, अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु, वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजन के लिए, अनिष्टोम यज्ञ अनिष्ट अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु, अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला, सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ अग्निष्टोम यज्ञ। और ऋग्वेद में जो नदियां हैं उनके क्या क्या नाम है मिलाने के लिए आया था, तो पुरुषनी रावी को कहा जाता है, शतुद्री सतलज को, अस्किन चिनाब को, विपासा व्यास को। और एक सवाल है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर इसका 16। और जल या समुद्र का देवता कौन था? वरुण। ऋतु
प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को वित्तस गोप कहा गया? वरुण। ऋग्वेद में अघन यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? गाय के लिए अघन का प्रयोग किया गया। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड यानी PGW ग्रेवियर स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? चित्रित धूसर मृदभांड भगवानपुर से। उत्तर वैदिक काल में से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? चित्रित धूसर मृदभांड PGW ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गिरुवर्णी मृदभांड OCP। तीन ऋण में शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण। मातृ ऋण इसमें शामिल नहीं है, देव ऋण है, पितृ ऋण है और ऋषि ऋण है। और आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? आर्कटिक होम सिद्धांत बीजी तिलक ने लिया, बाल गंगाधर तिलक ने। ये क्वेश्चन कई बार आया, UDC उत्तराखंड PCS में भी आया है। तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का थ्योरी जो है बाल गंगाधर तिलक का है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा, कर्मु जो काबुल में है,